बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की तरफ से सुहेल बासित आपको खुश आमदीद कहता है। आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 10 का सलूशन बताऊंगा। पेपर 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। चैप्टर 10 एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसमें एक एक्सरसाइज 10.5 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और एक लॉग के प्रूफ थे। इस चैप्टर के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। असाइनमेंट नंबर 10 एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 सेशन 2019-21। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स। पेपर 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। टोटल मार्क्स 25। लास्ट डेट 7/8/2020 एट 2 PM। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट y इक्वल e पावर वाइट बॉक्स t प्लस 4। बी पार्ट y इक्वल x स्क्वायर e पावर वाइट बॉक्स x। सी पार्ट y इक्वल वाइट बॉक्स पावर वाइट बॉक्स टी प्लस 3। डी पार्ट वाई इक्वल 5 नेचुरल लॉग ब्रैकेट टी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज पावर वाइट बॉक्स। ई पार्ट वाई इक्वल लॉग बेस वाइट बॉक्स ब्रैकेट 8x पावर वाइट बॉक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। पांच पार्ट हैं टोटल इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट डेरिवेटिव आपने लेना है। आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू ई होगा या टी होगा, आपको खुद मालूम होना चाहिए। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, वाई इक्वल एक्स भी है इसके अंदर और ई भी है। वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव होता है। सी पार्ट के अंदर दो वाइट बॉक्स हैं। डी पार्ट के अंदर एल एन जो लिखा हुआ है नेचुरल लॉग होता है, इसकी बेस फिक्स होती है। और आखिरी पार्ट में नॉर्मल लॉग है, इसकी बेस कोई भी हो सकती है। इन दोनों का फर्क ये है। नोट, इंसर्ट्स योर रोल नंबर इन द वाइट बॉक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के अंदर जिधर भी आपको वाइट बॉक्स नजर आता है उधर अपना रोल नंबर लिख लेना। क्रॉप द सॉल्व पेजेस। Send the pages according to ascending or descending order. Dark pages not accepted. If you make a single mistake, comma, you will get 0 marks. Separate send your assignment using WhatsApp number and not in the group of econometrics and advanced math. ये
इंस्ट्रक्शन वैसे ही है जो पिछले क्वेश्चंस पिछली असाइनमेंट्स की तरह ही थी, सिर्फ पहला जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें कोई चेंज आनी चाहे तो आ जाती है, वरना कोई चेंज नहीं आती। पेजेस को फिर भी सम स्टूडेंट क्रॉप करके नहीं भेजते, जब पिक्चर बनाएं या उसको स्कैन करें तो स्कैन के बाद एक ऑप्शन आता है, या जब सेंड करें तो उसमें भी ऑप्शन आता है, तो उसको फॉलो किया करें। लेट ब्लैक बॉक्स इक्वल टू 25, अज्यूम कर रहे हैं कि बॉक्स में 25 आपका रोल नंबर है। ए पार्ट इसका फिर बनेगा वाई इक्वल टू ई पावर 25 टी प्लस 4। राइट साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इसलिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। डी और डी टी वाई इक्वल टू डी और डी टी ब्रैकेट ई पावर 25 टी प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। डी वाई और डी टी 25 ई पावर 25 टी प्लस 4। पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है, फंक्शन खुद ऐसे ही लिखा रहता है जबकि पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इसका ए पार्ट का सॉल्यूशन था। बी पार्ट इसका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर 25x, ब्लैक बॉक्स 25 की जगह था तो ब्लैक बॉक्स को ख़त्म करके 25 लिखें। अब राइट साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इसलिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। डी और डी एक्स वाई इक्वल टू डी और डी एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ई पावर 25x ब्रैकेट क्लोज। डी वाई और डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर डी और डी एक्स ब्रैकेट ई पावर 25x ब्रैकेट क्लोज प्लस ई पावर 25x इंटू डी और डी एक्स ब्रैकेट एक्स के ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 ई पावर 25x ब्रैकेट क्लोज प्लस ई पावर 25x इंटू 2x। अब सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इक्वल टू 25x स्क्वायर ई पावर 25x प्लस 2x ई पावर 25x। कॉमन ले लेते हैं, एक x कॉमन आएगा एक ई पावर 25x। कॉमन दोनों एक साइड पर भी लिख सकते हैं, दोनों स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों लास्ट में भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। मैंने एक x पहले लिख लिया और ई पावर 25x बाद में लिख लिया। दोनों कॉमन फर्स्ट में से लें तो ब्रैकेट में 25x प्लस 2 रह जाए। ये इसका बी पार्ट का सॉल्यूशन था। इसका सी पार्ट y इक्वल टू 25 पावर 25 टी प्लस 3। दो जगह यहाँ ब्लैक बॉक्स था, दो जगह 25 लगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो डी और डी टी वाई इक्वल टू डी और डी टी इंटू 25 पावर 25 टी प्लस 3। डी वाई और डी टी इक्वल टू 25 पावर 25 टी प्लस 3 इंटू 25 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 25। जब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है तो ये फंक्शन पूरा लिखा जाता है, जबकि इसकी पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है और जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है उसका नेचुरल लॉग बन जाता। अब इसको तरतीब से लिख लेते हैं, अरेंज करके 25 पहले लिख लिए, 25 इंटू 25 पावर 25 टी प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज नेचुरल लॉग ऑफ 25। ये सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट
y equal to 5 natural log of bracket t plus 1 whole power 25. इधर आपका ब्लैक बॉक्स 25 राइट साइड पावर पर था. इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है इसलिए d और dt y equal to d और dt 5 natural log of bracket t plus 1 power 25. dy और dt equal to 5 natural d 5 कॉमन ले लिया d और dt natural log bracket t plus 1 whole power 25. This equal to 5 लाइन लगा के लाइन से ऊपर नेचुरल लॉ के साथ जो वैल्यू होती है इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा और ये खुद फंक्शन नीचे आ जाता. 25 इंटू टी प्लस 1 पावर 24 और फिर अंदर जो वैल्यू है ब्रैकेट के उसका डेरिवेटिव t का 1 आएगा डिवाइडेड बाय t प्लस 1 होल पावर 25. सिंप्लीफाई 125 इंटू टी प्लस 1 होल पावर 24 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 होल पावर 25. सिंप्लीफाई 125 डिवाइडेड बाय t प्लस 1. ये d पार्ट का आंसर. और लास्ट पार्ट था इसका e y इक्वल टू log बेस 25 इंटू 8x 25 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज. इसको ऐसे भी पढ़ते हैं y इक्वल टू log ऑफ 8 ब्रैकेट 8x पावर 25 प्लस 2 बेस 25. इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है d और dx y equal to d और dx log of 8x power 25 plus 2 base 25 dy और dx equal to 200x power 24 divided by 8x power 25 plus 2 bracket close natural log of 25. तो log के साथ जो वैल्यू होती है इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है. 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आया और x की 24 में से एक माइनस किया तो 24 है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और ये खुद फंक्शन नीचे आ जाता है साथ नेचुरल लॉग ऑफ 25. अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता. इधर तक ये इसका आंसर है. Good luck. Allah Hafiz.